अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूवर्स। सो फाइनली जो है वो नेशनल सेविंग की जो ऐप है उसमें काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व किया जा चुका है, जिसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि OTP सेंड नहीं हो रहा है, वो भी काम ठीक हो चुका है। और दूसरा, बहुत सारे लोगों को यूज़र लॉक का जो ऑप्शन है, जो एक एरर आ रहा था, वो फेस करना पड़ रहा था मेरे समेत, तो वो भी ठीक हो चुका है। मैंने आज इसे लॉग इन किया तो वो ठीक हो चुका था। अब मैंने जो है वो इसके अंदर अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ और आपको मैंने तरीका भी बता दिया था कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके वीडियो को देखिए और अकाउंट को क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ। सो साइन इन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके पास इस ऐप का डैशबोर्ड आता है। अब यहाँ पे आपके पास ऊपर जो है वो पेमेंट आ जाती है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अनहाइड करते हैं, तो यहाँ पे आपका टोटल बैलेंस शो हो जाता है विद आपकी इन्वेस्टमेंट के। याद रखिए, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस वो भी साथ में जब वो शामिल होती हैं, सिर्फ आपका जो प्रॉफिट है उसको शामिल नहीं किया जाता, बल्कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और जितना प्रॉफिट आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है वो सारा इकट्ठा आपको यहाँ पर शो होता है। अब नीचे जो पहला टैब आता है वो आता है अकाउंट्स का। ऊपर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा और वेलकम लिखा होगा। तो नीचे पहला ऑप्शन है अकाउंट का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके अकाउंट का नाम क्या है, उसका स्टेटस क्या है, नॉर्मल है। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, आपका IBN नंबर आ जाएगा। उसके बाद सेविंग अकाउंट्स का जो ब्रांच नेम है वो आपको बताया जाएगा, आपकी ओपनिंग डेट क्या आती सेविंग अकाउंट की वो बताया जाएगा, बैलेंस आपका कितना है, करंट बैलेंस कितना है, वो सारी यहाँ पे डिटेल बताई जाएंगी। नीचे आपको अकाउंट स्टेटमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपकी तमाम स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितना क्रेडिट हुआ, कितना आपने निकलवाया, वो सारी तफसीलात जो है वो यहाँ पर आपको फराहम की जाती हैं। अगर आप ATM से निकलवाते हैं तो उसकी फ़ीस भी कटती है, बैलेंस चेक की भी फ़ीस कटती है, तो वो भी यहाँ पे ऐड की जाती है। तो उसके मतलब आपको तमाम मालूमात यहाँ पे फ्राम की जाती हैं। बैक करते हैं और दोबारा बैक जाते हैं। उसके बाद सेकंड जो है वो है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी तमाम सर्टिफिकेट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, अवेलेबल बैलेंस यानी इन्वेस्टमेंट आपकी। उसके बाद कोड है, ओपनिंग डेट क्या है इस इन्वेस्टमेंट की, कब इशू की गई थी और ये कब तक जो है कि मेच्योरिटी क्या है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और नीचे आपका ब्रांच नेम होगा। अगर आपके यहाँ पे एक से ज़ायद अकाउंट्स हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पे आप लोग स्वाइप करेंगे तो आपका दूसरा अकाउंट आ जाएगा। मेरे केस के अंदर सिर्फ मेरा एक ही अकाउंट है नेशनल सेविंग के अंदर। अगर एक से ज़ायद होते तो यहाँ पर उनकी भी तफसीलात आपको स्वाइप करेंगे आप, तो वहाँ पर वो भी आ जाएंगी। यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन भी मौजूद है, अगर आपके कोई एक से ज़ायद अकाउंट्स है डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर तो वो यहाँ पे लिंक हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऊपर फ़िल्टर पे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ब्रांच, अब मेरा यहाँ पे एक ही ब्रांच है। उसके बाद स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस पता चल जाएगा। तो ये सारी तफसीलात यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका जिस ब्रांच में अकाउंट है उसका स्टेटस यहाँ पर क्या शो किया जा रहा है। नंबर 3 पे गाइस आता है लिंक इन्वेस्टमेंट्स का। अब ये जो लिंक इन्वेस्टमेंट्स है इसके अंदर आप लोग अपनी जो सेविंग अकाउंट्स के अंदर एक से ज़ायद एक सेविंग अकाउंट्स के अंदर आपके 3-4 आगे अकाउंट्स हैं, जैसे कि आपने रेगुलर बिल लिया हुआ है, उसके शॉर्ट टर्म बिल लिया है, तो उनको यहाँ पर आप लोग अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं। यानी कि आपके जो अकाउंट्स हैं ना कि सेविंग अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट में आगे आपके 2-3 इन्वेस्टमेंट हैं, बहबूद में भी है और आपकी पेंशनर में भी है, तो वो आपकी 2 अकाउंट्स हो गए। तो उनकी आप लोग यहाँ पे अकाउंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिंक सेविंग अकाउंट्स हैं, अगर आपके एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट्स हैं तो उनको आप लोग यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। मेरे केस में सिर्फ एक ही है तो वो लिंक नहीं हो सकता क्योंकि है ही एक। नेक्स्ट जी आपके पास आता है रास्ट IBN का। तो यहाँ पर आप लोग लिंक बैंक अकाउंट कर सकते हैं, अकाउंट लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ये अकाउंट हो गया। सेलेक्ट बैंक, आप किस बैंक के साथ लिंक करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेलीनॉर बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ये मैंने टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक सेलेक्ट किया। अब उसके बाद आप लोगों ने अभी IBN नंबर डालना है यहाँ पे आपके अकाउंट का, जैसे किसी सेविंग अकाउंट है, आप लोगों ने जो है वो आपकी जो टेलीनॉर का जो IBN नंबर होगा वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। आप लोग जब अपने इजी पैसा में जाएंगे तो यहाँ पे आपको तमाम तफसीलात यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो इसको यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने तमाम तफसीलात को ऐड कर लेना है। नंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपके नंबर पे अगेन एक OTP जाएगा और वो OTP कन्फर्मेशन होगा, योर रिक्वेस्ट इज़ रिसीव अगेंस्ट अकाउंट, वी विल वेरीफाई योर शॉर्टली, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रास IBIN पे आ जाएंगे तो वहाँ पे ये देखिए ये पेंडिंग में चला जाएगा। लेकिन अभी इसको लिंक करने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे बताया गया है कि इससे आप लोग जब वो कोई पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में अगर कोई मज़ीद ऐप के अंदर कोई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल यहाँ पर सिर्फ लिंक का ही ऑप्शन है, इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बैक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं बिल पेमेंट का, ये फ़िलहाल पेंडिंग है, ये अभी नहीं है, जब भी आएगा तो इसके बारे में भी मैं आपको आगाह कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र का है, वो भी ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, जब ही आएगा तो मैं आपको आगाह कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो बाएँ जानब यहाँ पर तीन लाइनें बनी होती हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके लास्ट के अंदर एक ऑप्शन है वो सेटिंग का, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर आता है अकाउंट एंड प्राइवेसी सेटिंग का, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग फिंगरप्रिंट की जो ऑथेंटिकेशन है यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको मैसेज भी आ जाएगा, तो ये आपकी फिंगरप्रिंट की ऑथेंटिकेशन आज ऑन हो गई है, अब आपको कोड डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल इस ऐप के अंदर कुछ इतना ही था जो कि मैंने आपको बता दिया है, और आई होप आपको समझ भी आ चुका होगा कि इस ऐप के अंदर अभी क्या है। अभी फ़िलहाल नहीं है, अभी इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इसके अंदर कुछ अपडेट्स की जाएंगी। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं कि बैलेंस आया है या नहीं है। बहुत सारे लोगों को इसके लिए ब्रांच के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब वो सीन ख़त्म हो गया। तो आने वाले दिनों में मज़ीद इसके अंदर आपको अच्छी अपडेट्स मिलेंगी। और कुछ लोगों को अभी भी डर है कि जी ये ऐप सेफ़ नहीं है, तो भाइयों मेरे ये ऐप 100% सेफ़ है, इसके अंदर डरने वाली कोई बात नहीं है, आप इसको बिला झिझक चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।